इधर लेट हो रहा है शो के लिए. इट्स ऑलरेडी 4:13. 4:30 का शो है, आधा घंटा वेन्यू को पहुंचने के लिए लगेगा. और इन लोग का फोटो सेशन चालू है. देखो भाई ने उधर गाड़ी भी निकाल के रख दी. वाह वाह, दाखो फोटो, दाखो रिएक्शन. ऐसा कह रहे थे गर्मी होते और उल्टी है तो थी. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब. होली के बाद आज मिल रहे और अभी सुबह के बज गए 10:09. ये दिखला नहीं है उल्टा, एक मिनट ऐसा दिखाऊँ क्या, कैसे ऐसे दिखा है तुम्हें. इट्स नॉट टेन नाइन, इट्स टेन नाइनटीन, जो कि अभी 10:20 बन चुके हैं. और गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब. आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो गए और आज का दिन आपका कैसे जा रहा है. संडे है, फंडे है, बहुत ही मज़ा आएगा. आप सब लोगों से मिलोगे, मतलब आपका जो प्लान चलेगा वो आप करोगे और अपने दोस्तों से मिलोगे, बाकी लोगों से मिलोगे, कोई ना कुछ बात लेगी तो वो सब करोगे. तो मुझे बताओ आपका संडे कैसा गया. अरे यार ये फिल्म नॉट गुड, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए. ऐना देखो अभी आप. एय ऐना किधर चुपके बैठती है. हाय बोल ब्लॉगला, हाय बोल. जिधर जगह मिलेगी उधर चुपके बैठेगी हमारी ऐना. तो आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज आने वाली है नेहा फ्रॉम कांदिवली. लेकिन नेहा जब जब आती है उसका पोपट होता रहता है, मतलब उसको मिलना रहता है मम्मी से, मतलब उसकी इच्छा रहती है बहुत मम्मी को मिलूँ. और जब नेहा आती है तब मम्मी किधर ना किधर तो बाहर रहती है, कभी गाँव जाती है, कभी कुछ काम रहता है. आज भी एक फैमिली गैदरिंग है, उधर मम्मी जा रही है. तो शायद अगर उनकी भेंट नहीं, क्या बोलते, अगर वो लोग मिल सके तो मिल पाएंगे, नहीं तो आज भी दोनों का बैड लक. देखते हैं आज अपन, देखते हैं नेहा और मम्मी मिल पाएंगी कि नहीं. तो चलो फिलहाल मैं नाश्ता करता हूँ और 10:22 कितना हो गया, 10:30 हो गया. तो देखते हैं अभी क्या करते हैं. ब्लॉग में बहुत कंटेंट की कमी महसूस हो रही है. हेलो दोस्तों, पहचानो हम कहाँ आ गए हैं. बताओ दादा हम कहाँ आ गए. रोशन के घर. किधर है रोशन दादा, किधर है रोशन दादा. अंदर है, बर्तन मांज रहा है. बड़े भाई कपड़े पहने हैं कि नहीं. अरे भाई ने कपड़े नहीं पहने, दिखा दू ब्लॉग में. नहीं रे जाने दो भाई, परमिशन नहीं भाई. लेकिन ऐप्स तो है भाई को, कि रुको एक सेकंड में काउंट करके बताता हूँ. पलट ऐसा देख भाई, है चार तो है, मतलब ऐसा स्लाइटली भी अनिल कपूर चार तो नहीं चलेगा. भाई बोले थे उसके पास देखेंगे तो अनिल कपूर याद आ जाएगा, मतलब समझ रहे. चलो फिर वो भी क्या बोलते तेरा वस्त्र, जब भाई वस्त्र धारण कर लेंगे तब अपन उसका व्लॉग बनाएंगे. ओके तो फिलहाल तो नंगा है, नहीं दिखा सकते. नंगा नहीं है, अर्धा नंगा है. तो हेलो को दोस्तों, नितिन द शेफ इज ऑन द किचन और अभी अपने इधर पाहुने आने वाले, मतलब गेस्ट, पाहुने मतलब गेस्ट. तो कभी कभी मैं ना ये सब मराठी वर्ड्स जानबूझ के व्लॉग में डालता हूँ क्योंकि इट लुक्स फनी. ओके दैट्स व्हाई, नहीं तो सब लोग मुझे जज करने लग जाते हैं भाई. वो छोड़ो, वो तो मज़ा आता है मेरे को भी. तो अभी नितिन द शेफ मोड ऑन हो गया, अभी मैं खाना बनाऊँगा. खाने में अपन बनाएंगे अंडा भुर्जी. अगर जिन्होंने मेरा शॉर्ट्स देखा रहेगा, मतलब यूट्यूब में अपलोड किया हुआ शॉर्ट्स देखा रहेगा अंडे भुर्जी का, तो भाई बेस्ट अंडा भुर्जी कोई बनाता है. मैं इधर खुद की तारीफ करूंगा भाई क्योंकि मैं बेस्ट अंडा भुर्जी बनाता हूँ. तो अभी मैं दिखाऊंगा नहीं कैसे बनाऊंगा, बस इट्स अ सीक्रेट रेसिपी जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे पूरी अपलोडेड है. चलो फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेना. ओके भाई खरे मनापासून सांग, सच्ची बता, मेरी बनाई हुई अंडा भुर्जी कैसी लगती. बहुत बेकार लगती है, कभी भी ट्राई मत करना. चले तेरा इसका पेमेंट हुआ नहीं ना, इसलिए अभी तक ऐसा बोल रहे हैं. रुक तेरा पेमेंट करता हूँ फिर बराबर बोलेगा. तो चलो अभी हम बनाचे और खाचे, आपको दिखाऊंगा कैसे बनाया. क्या प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, बस दिखाऊंगा भाई ये देखो ये सुंदर चीज़ मैंने बनाई. तो गाइज नेहा भाई ने आते आते किचन में टेक ओवर कर लिया है और मैं मेरे स्टाइल का मस्त भुर्जी बनाने वाला था. नेहा ने क्या बने ना चांगली. भाई सच्ची में, मतलब जो एरोमेटिक जो आ रहा है, स्मेल जो आ रहा है, ओ माय गॉड मस्त है भाई.
चांगली बनवली. तू टेस्ट केली? हाँ. इसने झूठा कर दिया भाई. अभी मैं नहीं खाएगा झूठा भाई. चल रोशन दादा भाई वर्क फ्रॉम होम चालू है भाई, फुल काम कर रहे है. नहीं संडे में कौन सा वर्क फ्रॉम होम. नहीं नहीं रोशन दादा काम नहीं कर रहा है. रोशन दादा गलत काम कर रहा है. एंड मीट माय न्यू फ्रेंड स्नेहा. हाय स्नेहा. ये नेहा की बहन है. और अरे कंफर्टेबल है ना ब्लॉग. सो बाकी कैसा था तुझा प्रवास? मुझे ट्रैवल किया कैसा हुआ? बहुत बेकार हुआ. बहुत. नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आऊँगी मैं कल्याण भाई. सेंट्रल ये वेस्टर्न वाले ना तो इन लोग को सेंट्रल लाइन कभी पसंद नहीं आते. मतलब कितने भी वेस्टर्न वाले देख लो इन लोग को सेंट्रल पसंद ही नहीं आएगा. मेन मतलब प्रॉब्लम किधर हो गया? मतलब तुम लोग संडे को आए, संडे को मेगा ब्लॉग देते हैं तो वाट लगता है. ओके दैट्स नॉट योर फॉल्ट. ओके तो चलो अभी हम लोग उनको हेल्प करते हैं थोड़ा खाना बनाने में. और मम्मी चली गई. मम्मी का और नेहा का भरत मिलाप हो गया दोस्तों. वो मैं शूट नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फोटो शायद उन्होंने निकाला है तो मैं वो दिखा दूँगा. चलो बाय. को इधर लेट हो रहा है शो के लिए. इट्स ऑलरेडी 4:13. 4:30 का शो है. आधा घंटा वेन्यू को पहुंचने के लिए लगेगा. और इन लोग का फोटो सेशन चालू है. देखो भाई ने उधर गाड़ी भी निकाल के रख दी. वाह वाह दाखो फोटो दाखो. ए चल चल शाणी. 4:15 झाले. 4:30 चा शो है. क्या बोले भाई लड़कियों को. चलो अभी गाड़ी में बैठते. आता डायलॉग बोलला. सो गाइस वी आर हियर एट आचार्य आत्रे मंदिर. बहुत मतलब मैंने तो बहुत बार मेंशन किया ही आत्रे के बारे में. इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी. एंड देखो सब लोग इधर हैं. दादा और रोशन दादा वो दोनों कार पार्क करने गए अभी. अरे निया बॉय व्हाट काय झालं तुझं रिएक्शन असं काय होते? ऊन आहे गर्मी होते और उलटी येत होती. इसको गाड़ी में जब भी बिठाओ कोई भी रहने दो. उल्टी आना कंपलसरी है भाई. पर बट ये टाइम मेरा किस्मत अच्छा था, इसने उल्टी की नहीं. हाँ थैंक यू भाई. बाकी तो चलो अभी दादा हाँ आ गए. वो भी अभी हम लोग निकलते हैं. ऑलरेडी वी आर 8 मिनट्स लेट. इतना जल्दी चालू होगा भी नहीं नाटक है ना. आधा घंटा तो लगेगा मैक्सिमम. तो चलो देखते हैं हुआ है कि नहीं. सो गाइस वी आर इन हियर. आवाज़ आ रहा है कि नहीं? आई होप आवाज़ आ रही है. हाय बोला सगळ्यांनी. हाय बोला. सो वी आर ऑन टाइम. लेट नहीं हुआ है लेकिन इधर बहुत सन्नाटा है इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ. तू फर्स्ट टाइम नाटक वगैरह लेते ना. इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस. नाटक देखा करो भाई बहुत अच्छे रहते हैं. पब्लिक बहुत मेहनत करती है क्योंकि हम खुद करते हैं तो मालूम है कितनी मेहनत लगती है. तो अभी तो और नाटक ये संजय नार्वेकर सर का. सो ही इज़ अ लीजेंड ऑफ मराठी सिनेमा. मराठी क्या मतलब बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है. वास्तव. सो या इज अ लीजेंडरी एक्टर. तो अभी देखते हैं अगर बैक स्टेज में मिलने का मौका मिला तो मज़ा आ जाएगा. क्या बोलते मजा आएगा. कितना कितनी फोर्सफुली बोल दी थी मजा आएगा. ये भाई इतने प्रेशर में मत बोल चलेगा. मजा आएगा. इट्स ओके फाइन. ऐसे साइको लोगों के साथ रहना अच्छा रहता है. मेंटल चित मैं नेहा बाकी उधर तू पन थोड़ी सी साइको. थोड़ी सी मतलब ऐसा रहना चाहिए. प्रदीप दादा महारोशन दादा तो दादा नहीं माहिती.
आई इंट्रोड्यूस हिम लेटर. हम सब लोग साइको है भाई, थोड़े थोड़े. मैं ज़्यादा हूँ, नया थोड़ी ज़्यादा है. इसका मालूम नहीं भाई कितनी है, लेकिन थोड़ी सी तो देखते हैं अभी. अपन आता अपना हळूहळू आवाज वाढेल ना, लोक फिरतील. अभी तक कर्टन ओपन नहीं हुआ भाई. इधर परफॉर्म करने में और इधर परफॉर्म होते हुए देखने में दोनों अलग अलग फीलिंग है भाई. मतलब जब आदमी इधर परफॉर्म करता है तो उसका सिचुएशन अलग रहता है, और जब देखने आता है तो पूरा अलग. मतलब टेंशन नहीं रहता दिमाग में कोई. चलो अभी देख, बाद में बात करते हैं. का सर के साथ मिलन हो गया है, सबने फोटो वीटो निकाल लिया. बस मेरा ही थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं आया, बाकी सबका अच्छे से आया. और नाटक अच्छा था भाई. Hey guys, please बघा नाटक सर्किट हाउस, खूप छान नाटक आहे. कॉमेडी आहे भाई. डेजा वू होगा आपको नाटक देखते देखते. यू विल फील लाइक डेजा वू. सो बाकी स्नेहा, तू पहिल्यांदा बघितलं, तुला नाटक कसं वाटलं? छान वाटलं. नाटक ही कन्सेप्टच कशी वाटली? तू फर्स्ट टाइम बघितलं? भरपूर आवडलं, फर्स्ट टाइमच बघितलं पण एकदम भारी वाटलं. नाईस नाईस. तर चलो, हे आपल्या सगळ्यांसाठी चांगली गोष्ट आहे ऍक्टर्स के लिए. तो अभी नेहा और स्नेहा जाने वाले घर पे वापस कांदिवली. सो इट विल अ लॉन्ग जर्नी फॉर देम. तो बाय बाय. ये पता घरी. चलो अभी हम लोग इनको छोड़ देते फिर. तो हेलो गाइस, वी आर बैक होम. और बहुत मज़ा आया यार. मतलब नाटक तो एक नंबर था सर्किट हाउस. अभी क्या बोलते हैं, ऑनेस्टली दे रहे गए तो सुपर फन, एकदम कॉमेडी नाटक था. और सेकेंड हाफ में थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, लेकिन नाटक अच्छा है, वर्थ इट है अगर देखने गए तो. बहुत अच्छा है. और भाई टाइमिंग, एक्टिंग आई है, टाइमिंग तो खतरनाक भाई. जब हम जैसे एक्टर्स है ना, हम लोग कुछ सीखने के लिए बहुत बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ. और सेट भी बहुत मस्त था, मस्त एक ही नंबर. मजाक मस्त गया आज का दिन, बहुत आई लव्ड इट. मतलब बहुत क्या बोलते हैं, मजे किया आज के दिन. और क्या बोलो भाई, मेरे को तो इतना गर्म हो रहा है ना. बहुत गर्म हो रहा है भाई कसम से. अभी तो मैं नहाऊंगा सीधा व्लॉग एंड करके, नहा के फिर खाना खाऊंगा, व्लॉग एडिट करूंगा, अपलोड कर दूंगा. कल सुबह व्लॉग आ जाएगा कल सुबह व्लॉग आ जाएगा. अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, थका नहीं हूँ, बस ट्रैफिक के वजह से थोड़ा सा गाड़ी में ये हो गया, क्या बोलते, वी गेट एग्जॉस्ट ट्रैफिक में. एंड बाकी गर्मी इतना हो रहा है ना भाई, वाट लग गया गर्मी की वजह से यार. गर्मी का कुछ तो करो मोदी जी.
तो चलो भाई बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, आई लव यू ऑल गाइस। और प्लीज़ व्लॉग को शेयर कर दो यार, बहुत जितना हो सके उतना शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, कमेंट कर दो वीडियो पे, जो भी आपको बात करनी हो, जो भी आपको बोलना हो कमेंट में बता दो। आई रियली लव टू रीड कमेंट्स यार, बहुत सही लगता है अगर कोई कमेंट करते तो मजे लो भाई, मेरे को वो भी पसंद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इस पे इसकी टांग खींच सकते हैं इस बात पे, तो यू कैन डू इट यार, मज़ा आता है ये सब देखने के लिए। चलो बाय बाय, ध्यान रखना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना प्लीज़।